ये आयुर्वेद ने जो हमको अमूल्य निधि दी है उसी का एक अंग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकटु चूर्ण काढ़ा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी काढ़ा पीने का आग्रह किया है। ये काढ़ा शुद्ध देसी है, सूखी पिपली काली मिर्च इससे बनता है। ये काढ़ा अगर पिया जाए और उपयोग का तरीका भी, एक छोटे चम्मच काढ़े में तुलसी की 3-4 पत्तियों को 1 लीटर पानी में उबालें और जब उबलकर पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर एक दिन में 3-4 बार घूंट घूंट गुनगुना पिया जा सकता है। ये काढ़ा पीने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इसलिए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने ये योजना बनाई है कि घर घर ये काढ़े के पैकेट पहुंचाए जाए। ये काढ़ा और कहीं नहीं, मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ बनाएगा, पीपल सॉल्ट और काली मिर्च को समान अनुपात में कूट कर बनाया जा सकता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएगी, कोरोना के साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी में भी लाभप्रद होगा और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, दालचीनी, ग्लोए, लौंग, हल्दी आदि का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने ये 50 ग्राम वजन का ये पैकेट तैयार काढ़े का करने का फैसला किया है और प्रदेश में 1 करोड़ काढ़े के ये पैकेट वितरण करने की हमने योजना बनाई है। इस पैकेट को स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी आयुष विभाग से प्राप्त करेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी, सांसद जी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और उनके साथ इसका वितरण किया जाएगा। मेरी आप सब भाई बहनों से अपील है जो मुझे सुन रहे हैं सामने और जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही पूरे प्रदेश में या पहुंचेगी, उनसे अपील करता हूं, ये काढ़े का पैकेट हम आपके पास भेजने वाले हैं, बताई विधि के अनुसार इसको जरूर पिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और कोरोना जैसी कई बीमारियों का आप मुकाबला कर सकें। और इसलिए जीवन देने वाली योजना है जीवन अमृत योजना, आज उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब मेरे सामने उज्जैन से रोहित धमानी जी हैं, रोहित धमानी या जीतमल जी को यो तो नमस्ते बोल रहे हैं आप? रोहित धमानी बोल रहा हूँ उज्जैन से। हाँ रोहित जी, परिवार के क्या हाल है? ठीक है सब? सब बढ़िया है। बस मैं यही कह रहा था कि उज्जैन में भी कोरोना फैला हुआ है और ये आयुर्वेदिक काढ़ा बांटने का हमने फैसला किया है, विशेषता मैंने आपको बताई है, तो आपके परिवार में भी इसका उपयोग करें और बाकी सब उपयोग कर रहे हैं। तो बेटा खाना बना के और पूरे परिवार के सदस्यों को दिया जा रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। अच्छा अच्छा, आप पहले से उपयोग कर रहे हैं? तो आयुष विभाग की टीम ने दिया था आपको? आयुष विभाग की टीम ने बांटा था, टैबलेट भी दी थी, उसको परिवार के सभी सदस्य इसको बेटा दे रहे हैं। इसका कोई फायदा भी है?
हाँ फायदा बिल्कुल मिल रहा है, मेरे पापा को मम्मी को सबको दे रहा हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छे रोहित जी, धन्यवाद धन्यवाद आपको। इंदौर से राधेश्याम जी, है राधेश्याम जी, नमस्कार राधेश्याम जी, कैसे हैं, परिवार में सब ठीक है? जी जी, आयुर्वेदिक काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, इसलिए जीवन अमृत योजना लाए हैं। तो आप भी पिए, परिवार को भी पिलाएं ठीक। मुरैना से है पिंटू बंटी, कैसे हो भैया, ठीक हो? मुरैना ने तो बहुत अच्छा काम किया, कंट्रोल कर लिया है कोरोना को, लेकिन बाद में भी ये शरीर पे अटैक ना करे इसलिए ये काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा भेजने की योजना बनाई सरकार ने। तो ये पैकेट आएंगे, तो अभी आपको पैकेट मिला कि नहीं? मिल गया, अभी पी के देखा? बाकी में भी प्रचार करें इसका, है ठीक। चलिए आपको भी धन्यवाद, इतना पर्याप्त है, बाकी में बता दो चुके। नरसिंहपुर में दुर्गा, श्रीमती दुर्गा चौधरी जी हैं, दुर्गा जी और अंजलि जी। नमस्ते, कैसी हो बहन जी? ठीक है, मिल गया काढ़ा आपको? जी सर, मिल गया आपको, हम जिला नरसिंहपुर ग्राम जेड़वाड़ा से बोल रहे हैं सर, हमको काढ़ा मिल गया, एक महीने पहले भी मिला था हमको, 3 दिन हो गए। हमको समझाया मतलब कि सोशल डिस्टेंस का मतलब पालन करना, अधूरी दूरी बनाकर रखना, हाथ मुंह नाक ज्यादा नहीं छीना, 20 सेकंड अगर हाथ धोना कोई भी कारण से, बहुत जरूरी कोई काम रह जाए बाहर निकलना सर जी, सब लोग घर से रहना, काढ़ा दिया दीदी ने तो पूरा मतलब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच काढ़ा डालकर 4-5 तुलसी के पत्ते डालकर मतलब बच्चों को रात को सब को पीना। अरे आपको तो पूरी विधि पता है। कैसा लगता है पीने में? पीने में ज्यादा तीखा तो नहीं लगता? पीने में ज्यादा तीखा तो नहीं लगता, गला तो नहीं जलता? नहीं सर जी, नहीं लगता, गरम गरम पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, पीजिए, इसका बहुत लाभ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद चलिए, आप सब मिलके कोरोना को हराएंगे, अपन सब मिलके, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्ते। इसमें ये जो मैंने बताया इसको बड़ा करवा के मैंने बता दिया।